नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ एंड किडनी में। दोस्तों, जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है, किडनी पेशेंट्स को खास करके कुछ सावधानियां बरतनी होती है। उनमें डायलिसिस वाले पेशेंट्स भी आ गए और जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है उन पेशेंट्स को भी कुछ स्पेशल ध्यान रखना होता है। तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसकी हम आज इस पूरे वीडियो में बातें करेंगे। वीडियो छोटा सा ही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात आती है पानी की। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है, पानी की प्यास हमको सबको ज़्यादा लगती है और उसमें किडनी पेशेंट्स भी बाहर नहीं है। जो किडनी डायलिसिस करवा रहे हैं उन लोगों को खास इस बात का ध्यान रखना है कि पानी आपके लिए अभी के लिए दुश्मन जैसा है। आपको हो सके उतना कम पानी पीना होता है, क्योंकि जैसे ही आप पानी अगर ज़्यादा पियोगे तो आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सूजन आती है सब जगह पे, और वो आपके बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा वीक करता जाएगा। तो इसलिए आपको खुद पे उतना कंट्रोल करना पड़ेगा और पानी कम से कम पीकर आप कैसे अपना दिन गुजार सकते हो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और इसके लिए आप क्या क्या और स्टेप्स ले सकते हो उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है मेरे भाई ने, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये स्क्रीनशॉट जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए सच में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देख के कमेंट्स किए हैं कि उन्होंने सच में पानी की प्यास को कैसे कंट्रोल किया, तो उसके स्टेप्स इस वीडियो में जो है वो सबको बहुत ही हेल्पफुल हुए हैं। दूसरी जो बात है कि जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हो चुका है उन लोगों को क्या करना है, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होता है। गर्मियों में तो खासकर आपको ज़्यादा पानी पीना होता है। आप पूरे साल में जिस तरह से पानी पीते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी आपको पीने की कोशिश करनी है गर्मियों में खास, क्योंकि गर्मियों में आपके बॉडी जो होता है हमारा उसके अंदर से पानी इवोपरेट ज़्यादा हो जाता है, तो वो उसके सामने उसकी कमी को संतुलन करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, या फिर ऐसी तरल चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए होगी। तो जिसमें पानी होता है वैसे कुछ है वैसी चीज़ें आपको ज़्यादा कंज्यूम करने की ज़रूरत है। पानी के बारे में एक और बात जो आप दोनों को लागू होती है वो है ठंडा पानी पिए या मटके का पानी पिए। तो ठंडा पानी तो आपको दोनों को हो सके उतना अवॉइड करना है, उससे दूर ही रहना है। ठंडा पानी जो होता है उससे आपका बॉडी का बीपी बढ़ने की शक्यता ज़्यादा हो जाती है, तो ठंडा पानी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपको रूम टेम्परेचर वाला यानी कि मटके का पानी आप पी सकते हो, तो यही पानी आपको पीना चाहिए, ठंडा पानी को ना ही पिए तो अच्छा है। आगे हम खाने की बात करते हैं, तो खाने में आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। खाने में आपको बासी खाना बिल्कुल ही नहीं खाना है। गर्मियों में खास आपको ये ध्यान रखना है कि गर्मियों में जब खाना बनता है वो 3-4 घंटे में ही बासी हो जाता है। भले ही वो आपको दिखे, आपको स्वाद में उसको रंग में आपको फर्क ना दिखे, लेकिन उसमें बैक्टीरिया बनने का चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं गर्मियों की सीज़न में। तो गर्मियों में आपको 3-4 घंटे से ज़्यादा पुराना खाना नहीं ही खाना चाहिए। जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो घर से टिफिन लेके खाना खाते हैं, उन लोगों को खास ये ध्यान रखना है कि हो सके उतना जल्द से आपकी लंच ब्रेक ले लीजिए और जल्दी से आप अपना खाना जितना जल्दी हो सके उतना खा लीजिए। और दूसरी बात यह है कि खाना आपको फुल पेट करके नहीं खाना है। आपको अगर भूख ज़्यादा लगती है तो थोड़ा थोड़ा करके आप खाइए खाना, पूरे दिन में 3-4 बार खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक साथ ज़्यादा पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे पेट के इन्फेक्शन के कुछ चांसेस होते हैं, वो जो गर्मियों के सीज़न में खास करके वो बढ़ जाते हैं, तो वो ना हो इसके लिए हमें ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। शाम को जब आप खाना खाओ तो शाम को आपको जल्द से जल्द खाना खा लेना चाहिए, मतलब कि 7-8 बजे तक खाना खा लीजिए, और उसके बाद आप 1 घंटे में आप थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लीजिए, ताकि आपका जो खाना जो आपने खाया है उसको पाचन होने में आसानी रहे और रात को आपको नींद भी अच्छी आए। खाने में आपको हो सके उतना आपको दही और छाछ का प्रयोग करना चाहिए, अगर आपको आपने डॉक्टर ने आपको अलाउ किया है, आपको परमिशन दी है, तो ये बात आप अपने डॉक्टर को पूछने के बाद ही करिएगा। दही और छाछ खाना गर्मियों की सीज़न में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, हमारी पाचन शक्ति उससे बढ़ती है और आपका खाना डाइजेशन का टाइम वो कम हो जाता है, जिससे कि आपके बॉडी के बहुत सारे और प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। दूसरी एक बात ये कि गर्मी है तो पसीना तो होगा ही, उसको हम कैसे अवॉइड करें भैया। लेकिन आप किडनी पेशेंट हो तो आपको उस पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो ज़्यादा पसीना होने ही ना दे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हो सके उतना ठंडी एटमॉस्फेयर वाली जगह हो वहाँ का सहारा लेना है, आपको धूप में नहीं जाना है। अगर जाना पड़े तो कैप पहन के जाइए, मुंह बांध के जाइए, हो सके उतना अपने बॉडी को कूल रखिए, ठंडा रखिए, तो ज़्यादा पसीना बहे वो किडनी पेशेंट्स के लिए अच्छी बात नहीं होती है। दूसरी बात करूँ मैं आपको, तो आपको एसी
एयर कंडीशन वाले एटमॉस्फेयर को किस तरह से यूज़ करना है। आप सामान्य इंसान लोग की तरह कभी एसी में गए, कभी बाहर निकले, गर्मी में से डायरेक्ट एसी में गए, एसी में से डायरेक्ट धूप में गए, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको 1-2 मिनट तक अपने बॉडी को टेम्परेचर एक लेवल पे आने देना होगा। तो आप जैसे ही धूप से आ रहे हो, गर्मी से बाहर से आ रहे हो, तो आपको आधी 1 मिनट तक तो अपने को सिर्फ छांव में रखना है, खड़े रखना है, ठीक है। फिर आप जाके एसी में जा सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ भाई, आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नॉर्मल हो चुका है, तब आप एसी में जाइए। और ऐसा ही एसी से बाहर निकल के तुरंत धूप में मत जाइए, 1-2 मिनट छांव में खड़े रहिए, फिर जाके धूप में जा सकते हो। ऐसा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ही करिए, अगर ज़रूरत ना हो तो धूप में जाना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए आपको। हो सके किसी और से अगर काम करवा सकते हो, तो घर में फैमिली में कोई और मेंबर हो तो प्लीज़ उनसे काम करवा लीजिए। अगर आप मजबूरी है, फॉर एग्जाम्पल डायलिसिस पे जाना है, डायलिसिस का टाइम है, तब आपको जाना पड़ेगा। लेकिन हो सके तो खुली धूप में जाने से अच्छा है आप ऑटो कर लीजिए। अगर आपके पास गाड़ी की व्यवस्था है तो गाड़ी में जाइए, अगर नहीं भी है तो 2-व्हीलर पे भी जाना तो पड़ेगा। लेकिन 2-व्हीलर पे जाइए तो जब कैप पहन लीजिए, हेलमेट पहन लीजिए, मुंह को बांध लीजिए, पूरे फुल स्लीव वाले कपड़े पहने, ये सब आपको हेल्प करेगा गर्मी ज़्यादा आपके बॉडी को अफेक्ट ना करे उसके लिए। गर्मियों में खास करके बीपी बढ़ने की भी समस्या बढ़ जाती है, तो उसके लिए एक सिंपल सी घरेलू ट्रिक है जो आपको करनी चाहिए, खास करके किडनी पेशेंट्स को, सभी को। तो उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी बहुत छोटा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है, पर उसको आपको देखना ज़रूर चाहिए। ये जो स्क्रीन पे आ रहा है वो है, इसकी दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन में भी है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपके काम के वीडियोज़ है। अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करिए, थोड़ा सीरियस हो जाइए अपने हेल्थ के बारे में। आप किडनी पेशेंट हो, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कुछ कुछ बातों में। हर एक सीजन में आपको दूसरों से थोड़ा अलग समझना पड़ेगा खुद को, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो नॉर्मल इंसानों जैसा बॉडी अभी नहीं है। मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, आपका बॉडी तो अच्छा ही है, लेकिन हमें कुछ अलग तरीके से उससे ट्रीटमेंट करनी है। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बात है, हमें सीख लेना है कि हमारे शरीर को कैसे उसको साथ एडजस्ट करना है। ये थोड़ी मेंटल प्रोसेस है और उसमें आपको हिम्मत और हौसला रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बहुत ही जल्द आपसे विनती करूँगा कि आप भी हो सके तो अगर डायलिसिस पे हो तो ट्रांसप्लांट की प्रोसेस में आगे बढ़िए। और अगर आपने ट्रांसप्लांट कर लिया है तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि आपकी हेल्थ हमेशा के लिए अच्छी ही बनाए रखे, और उसमें आपका भी साथ ऊपर वाले को चाहिए होगा, तो आप भी उनको साथ दीजिए, वो भी आपको साथ देंगे और हम मिलकर अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा ही होगा, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है आपको, थोड़ी सी भी मेरी मेहनत आपको काम में आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, आपने इतना सारा टाइम दिया आपका। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो किडनी के रिलेटेड, कुछ जानना हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट के जवाब ज़रूर देते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।